जय श्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपका अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में बेटे लेक्चर नंबर फाइव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और देखा जाए तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये लेक्चर नंबर टू है जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर टू को हम स्टार्ट करें उससे पहले ज़रा लेक्चर नंबर वन को देख लेते हैं बेटा मतलब इस चैप्टर के लेक्चर को देख लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको और कौन सी ऐसी ऐसे टॉपिक्स थे जो कि हम लोगों ने कवर किए थे तो ये डायग्राम से हमारी शुरुआत हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं जिनमें एक्रूवल कंसिस्टेंसी इकोनॉमिकल गोइंग, मटेरियलिटी रिलायबिलिटी, टाइम पीरियड कंजर्वेटिव कॉस्ट फुल डिस्क्लोजर मैचिंग मॉनिट्री रेवेन्यू रिकॉर्गनाइजेशन जैसे बेसिक प्रिंसिपल आपको मैंने बताए थे कि ये सारे प्रिंसिपल आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे और इनके अलावा भी कई ऐसे प्रिंसिपल हैं जो जिसका मैंने अभी तक नाम नहीं लिया है वो भी आपको हम पढ़ाएंगे ठीक है फिर उसके बाद हमारी जो शुरुआत हुई थी इसमें हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है साथ ही साथ मैंने आपको इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है टू मेंटेन द रेगुलरिटी इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आपने दो और ऑब्जेक्टिव पढ़ा था जिसमें आपने प्रिंसिपल को समझा था जिसके हिसाब से हम अकाउंटिंग को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं हेल्प करते हैं यानी ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के होते हैं फिर उसके बाद हमने आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था और वो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ओनर होते हैं और जो बिजनेस होता है या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो बिज़नेस और बिज़नेस मैन होते हैं वो दोनों क्या होते हैं बेटा अलग अलग होते हैं यानी जो बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स को आप सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं और जो बिजनेस मैन के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं सेपरेट रिकॉर्ड होते हैं तो अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो तो आप ये हेडिंग डाल के बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल के बस एक लाइन लिख लीजिएगा सिर्फ एक लाइन लिख लीजिएगा बिजनेस एंड बिजनेस मैन बोथ आर डिफरेंट या बोथ आर सेपरेट बस इतना आप लिख लीजिए बाकी डिटेल में करने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को क्या कर सकते हो देख सकते हो ठीक है बेटा तो अब आज की क्लास में हम सबसे पहला अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है अक्रूवल कॉन्सेप्ट हिंदी में लिख लीजिए इसे उपार्जन हिंदी में इसे कहते हैं उपार्जन ठीक है बेटा तो देखिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है बेटा कि जब भी भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं जब भी भी हम कोई क्या करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन हमारे लिए या तो सेल बेस पे या तो कैश बेस पे होता है या तो फिर वो किस बेस पे होता है क्रेडिट बेस पे होता है यानी जो भी बिज़नेस का लेन देन होता है या तो वो आपका नगद होगा या फिर वो आपका क्या होगा उधार होगा अब सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताइए हम किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें क्या हम कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करें या सिर्फ हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें या फिर हम कैश या क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें बेटा इसका आंसर ये होगा बेटा कि आपको कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को क्या करना है रिकॉर्ड करना है दोनों ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है बाबू रिकॉर्ड करना है और इसके बारे में बताता कौन है आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट बताता है यानी अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस के हर एक ट्रांजेक्शन बिजनेस के हर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को क्या करना है रिकॉर्ड करना है चाहे आपको पैसा अभी मिले या चाहे आप आपको पैसा बाद में मिले या चाहे आपको पैसा अभी देना पड़े या चाहे आपको पैसा बाद में देना पड़े क्लियर हो गया बेटा तो आपको कैश और क्रेडिट दोनों को क्या करना है दोनों ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है रिकॉर्ड करना है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात इतनी समझ में आ गई अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आप लोग अलग से देख लीजिए जरा स्टार दे के कहीं पे लिख लीजिएगा क्रेडिटर एंड डेटर अच्छा डेटर के बारे में हमने आपको कल बताया था लेकिन लेकिन हम आपको फिर से एक बार इसके बारे में बता देते हैं कि डेटर और क्रेडिटर होता क्या है क्योंकि ये जो टर्म्स है ना क्रेडिटर और डेटर इनको हम लोग टर्मोलॉजी कहते हैं क्या कहते हैं बेटा टर्मोलॉजी कहते हैं टर्मोलॉजी का मतलब होता है आपके मेन मेन पॉइंट जैसे क्या होता है कि कई सारे ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं जिनको ये पूछो कि भैया कॉमर्स का मतलब क्या होता है मतलब आप ग्यारह पढ़ लिए बारह पढ़ लिए ग्रेजुएशन कर लिए एम कॉम भी कर लिए फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं जरा बताओ कॉमर्स का मतलब क्या है वो चुप हो जाते हैं उनसे पूछो कि डेटर का मतलब क्या है वो चुप हो जाते हैं उनसे पूछो क्रेडिटर का मतलब क्या है फिर चुप हो जाते हैं तो फिलहाल आप लोग ऐसा मत करिएगा इसीलिए मैं आपको हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को बहुत डिटेल में समझाऊंगा ताकि कभी भी आपको कोई भी समस्या इन फ्यूचर में ना हो चलिए देखेंगे तो बेटा जी मैंने आपसे क्या कहा अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करना है ठीक है अब इसी बेस पर आप थोड़ा सा और देखिए जब आप सेल की बात करते हो या जब आप किसकी बात करते हो परचेज की बात करते हो तेल का मतलब क्या होता है सर सामान को खरीद बेचना और परचेज का मतलब क्या होता है सामान को खरीदना अच्छा एक बात बताइए बिजनेस के पॉइंट पे जब आप बात करते हो ये बिजनेस ही तो करता है बिजनेस क्या करता है सेल और परचेज ही तो करता है अब बिजनेस क्या करता है कि अपने सेल को वो दो तरीके से डील करता है कितने तरीके से डील करता है बेटा दो तरीकों से डील करता है एक होता है आपका क्या कैश सेल और एक होता है आपका क्या क्रेडिट सेल अच्छा एक चीज सुनो मैं आखिरी में एक फॉर्मूला भी आपको लिखवाऊंगा इन्हीं बेस पर मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा ठीक है और उन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद रखना है अब हम जब परचेज की बात करते हैं बाबू तो परचेज भी आपका कितने तरीके का होता है दो तरीके का होता है एक होता है आपका क्या कैश परचेज और एक होता है आपका क्या क्रेडिट परचेज यानी सामान नगद में खरीदा और सामान नगद में सॉरी उधार में खरीदा अब देखिए जब आप कैश परचेज करते हो सॉरी जब आप ये पहले सेल वाला देखो जब आप क्या करते हो कैश सेल करते हो तो इस कैश सेल का इफेक्ट क्या पड़ता है या क्रेडिट सेल का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है या कैश परचेज का इफेक्ट क्या पड़ता है या क्रेडिट परचेज का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस में उस इफेक्ट को समझो आप लोग जब आप कोई भी सामान बेचते हो नगद में बेचते हो तो इसका मतलब है कि पहला इफ़ेक्ट कि आपका स्टॉक क्या हो जाएगा घट जाएगा और आपका जो कैश बैलेंस है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा सही है कि गलत है अब ठीक उसी प्रकार से जब हम कैश परचेज करते हैं क्या करते हैं कैश परचेज तो उस केस में क्या होगा सर उस केस में तो हमारे पास स्टॉक क्या होगा आएगा उस केस में हमारे पास क्या होगा स्टॉक आएगा और हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा बेटा कम हो जाएगा क्या मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल सर अब ये तो हो गई कैश कैश की बात अब थोड़ी सी क्रेडिट की बात कर लेते हैं जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो क्रेडिट सेल में क्या प्रभाव पड़ता है आपके स्टॉक पे देखो स्टॉक तो आपका घटता है लेकिन आपके कैश पर बाबू कोई भी असर नहीं पड़ रहा है यानी आपको पैसा अभी नहीं मिल रहा है आपको पैसा कब मिलेगा सर फ्यूचर में मिलेगा आपको पैसा कब मिलेगा आपका फ्यूचर में मिलेगा तो ये जो फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा ना इसी फ्यूचर वाले पैसे को यानी जिस व्यक्ति से ये पैसा मिलेगा उस व्यक्ति को हम नाम देंगे क्या आपका डेटर यानी जो व्यक्ति आपको फ्यूचर में पैसा देगा ध्यान से सुनिए जो व्यक्ति फ्यूचर में आपको पैसा देगा उस व्यक्ति को आप कहोगे डेटर डेटर यानी देनदार एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पैसा दे वो कहलाएगा आपका क्या देनदार कहलाएगा यानी डेटर कहलाएगा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ठीक उसी प्रकार जब हम इसकी बात करते हैं यानी क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट में क्या होगा बेटा कि क्रेडिट में आपके पास स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्रेडिट में आपके पास क्या होगा क्रेडिट परचेज में आपके पास स्टॉक बढ़ेगा लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपने पेमेंट किया आंसर है नहीं सर अभी पेमेंट नहीं किया पेमेंट कब करोगे सर फ्यूचर में पेमेंट करें फ्यूचर में पेमेंट करेंगे है ना तो जब आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो जिस भी व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हो फ्यूचर में जिस भी व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हो मैं यहां पे लिख दूं जिस भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हो वो व्यक्ति आपका क्या कहलाएगा क्रेडिटर कहलाएगा यानी इसको हम, कहेंगे आपका क्या? कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग बेटा लेनदार तो देनदार क्या होता है लेनदार क्या होता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई समस्या तो नहीं किसी को नोट हो गया है सबका बाबू जल्दी जल्दी नोट करिए बहुत जल्दी से नोट करिए और एक शब्द यहां पर और है एक चीज यहां पे और है कहो तो बता दें पहले बता दें ठीक है देखो यहां पे दो फॉर्मूला बन रहा है ध्यान से सुनो बेटा यहाँ पे कितना फॉर्मूला बन रहा है दो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला मैं अभी आप लोगों के लिए बता देता हूं देखिए एक फार्मूला है आपका टोटल सेल का एक फॉर्मूला है किसका टोटल सेल का और एक फॉर्मूला है आपका किसका टोटल परचेज का ठीक है अच्छा जिन लोगों ने नोट किया है वो रहने देंगे जिन लोगों ने नहीं किया है वो नोट कर लेंगे टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल कैश सेल प्लस क्या आपका क्रेडिट सेल और जब आप टोटल परचेज की बात करोगे जब आप किसकी बात करोगे टोटल परचेज की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज ठीक है बेटा कैश परचेज प्लस आपका क्या क्रेडिट परचेज इसको जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए क्लियर हो गया तो अब आप ये जानो अब आप ये जानो कि अप्रूवल कहता क्या है अप्रूवल यही कहता है कि आप चाहे कैश में डील करो अप्रूवल क्या कहता है आप चाहे कैश में डील करो या फिर चाहे आप क्रेडिट में डील करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन अब सपोज करो कि अगर कोई बिजनेस ये कहेगी कि सर हम खाली कैश कैश रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो ज़रा बताइए क्या वो अक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है हाँ सर एक ऐसा बिजनेस जो कैश में भी डील कर रहा है क्रेडिट में भी डील कर रहा है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है अक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है क्लियर हो गया बेटा जी कोई समस्या तो नहीं चलो फिर अब देख लेते हैं कि आपकी किताबों में क्या लिखा है क्या वही शब्द लिखा है जो मैंने आपको बताया या फिर कुछ नया लिखा है एक चलो आओ देखो जल्दी से देखो देखेंगे यहाँ पे अभी कर रहे हैं अभी एक मिनट चलो देखेंगे पहले इसको देख लेते हैं देखो जिसका छूट जाएगा उसका हम आखिरी में आपको नोट करा देंगे निश्चिंत रहिए ठीक है देखिए क्या लिखा है बेटा कहता है कि द टर्म्स ऑफ द एक्रूवल मीन्स समथिंग इज ड्यू समथिंग इज ड्यू ड्यू का मतलब क्या होता है ड्यू ड्यू का मतलब ये होता है कि अभी या तो पेंडिंग है या तो आप ड्यू का मतलब पेंडिंग समझ लो आप या तो मिला नहीं है या तो हमने दिया नहीं है दोनों में से एक हो सकता है ड्यू मतलब यही तो होता है या तो देना है या तो अभी मिला नहीं है कहता है समथिंग इज अ ड्यू स्पेशली अमाउंट ऑफ द मनी दैट इज दैट इज एट टू बी पेड और अ रिसीव एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड देखिए शब्द वही है ना कहता है या तो हमको पैसा मिला नहीं है या तो पैसा हमने किसी को दिया नहीं है पर कमाल की बात मैं आपको बताऊं जब आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे या पी अकाउंट बनाते थे तो वहाँ पे जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग होते थे उन सब को आप जोड़ते थे किस प्रिंसिपल के बेस पे इसी प्रिंसिपल की बेस पे अब पता चला कि हम वहाँ पे क्यों ऐड करते थे किस प्रिंसिपल के बेस पे इसी प्रिंसिपल के बेस पे जिसका नाम क्या है आपका अक्रूअल प्रिंसिपल क्लियर हो गया चलो आगे देखेंगे इट एम्प्लाइड दैट रेवेन्यू इज अ रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ द सेल थ्रू द कैश और एज वेयर एक्सपेंसिस आर रिकॉर्गनाइज वेन दे बिकम पेबल वेन द कैश इज अ पेड और अ नॉट देयर फोर बोथ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द एउंटिंग पीरियड इन विच दे आर रिलेटेड इसमें यह कह रहा है कि चाहे आप कैश की बात करो या चाहे आप क्रेडिट की बात करो चाहे सेल की बात करो चाहे परचेज की बात करो या आप किसी ऐसे भी ट्रांजेक्शन की बात करो आप उसको उसी साल में रिकॉर्ड करोगे जिस साल से वो रिलेटेड है एक ऐसा ट्रांजेक्शन जैसे 2023 चल रहा है तो 2023 में अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है भले पैसा आपको 2024 में मिले तो आपको रिकॉर्डिंग कब करनी है दो में करनी है दो में हमें रिकॉर्डिंग उसकी नहीं करनी है यानी जो ट्रांजेक्शन जिस साल से रिलेटेड होगा उस ट्रांजेक्शन को उसी साल से हम क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे लिखेंगे क्लियर हो गया पॉइंट बेटा कोई समस्या बाकी ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं इन दो एग्जाम्पल को आप पढ़िए आराम से और फिर उसके बाद आगे बढ़िए ठीक है फिलहाल मैंने इन सबको बता ही दिया है एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ कहता है कि इफ द फर्म रिसीव द गुड कॉस्टिंग रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड On March 9, 2021, but the payable, but the payment is made on the April 7, 2021. आपने एक गुड्स खरीदा कब खरीदा 9 no मार्च 2021 को और आपने पेमेंट कब किया 7 अप्रैल 2021 को बताइए सेम ईयर है या डिफरेंट डिफरेंट ईयर है सेम ईयर है या डिफरेंट डिफरेंट ईयर है अब देखिए अब देखिए कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर मार्च के बाद अप्रैल तो है सीमय तो है अरे मालिक आपको पता होना चाहिए कि 31 मार्च आपकी क्लोजिंग डेट होती है ठीक है तो 31 मार्च से पहले जो भी कुछ करोगे ना वो प्रीवियस ईयर होगा जो भी कुछ करोगे वो क्या होगा आपका प्रीवियस ईयर होगा और इकतीस मार्च के बाद जो भी कुछ करोगे वो आपका क्या होगा करेंट ईयर होगा तो आपने प्रीवियस ईयर में एक सामान खरीदा बीस हजार का उसका पेमेंट आपने किया सात अप्रैल दो हज़ार इक्कीस को यानी अगले साल किया आप ऐसे समझो तो जो ये सामान मिला है आपको उसकी रिकॉर्डिंग आप कब करोगे इकतीस मार्च दो हज़ार पहले से इकतीस मार्च से पहले करोगे या उसके बाद करोगे भाई जिस साल से रिलेटेड है ना किस साल से रिलेटेड है ये सात मार्च दो हजार इक्कीस से उन नौ मार्च दो हज़ार इक्कीस से रिलेटेड है ना तो उस गुड्स की कॉस्टिंग कब दिखोगे पहले ही लिखोगे ना आप किस बेस पे अप्रूवल बेस पे किस बेस पे अक्रूवल बेस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया समझ तो में आ गया कि नहीं आ गया ठीक चलो तो ये था आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है आपका अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट आओ इसको समझते हैं देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपकी लाइफ से ही रिलेटेड ठीक है आप लोग खुद को उस एग्ज़ाम्पल में इमेजिन करिएगा तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ठीक है खुद को इमेजिन करिए मैं जो भी जिस भी व्यक्ति का ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझ लीजिए आप ही हैं ठीक है ये आप हैं जिसको मैंने बनाया है अब अलग बात है कि मैंने आपके हाथ पैर टांग नहीं बनाई है लेकिन आप मान लीजिए कि यह आप ही हैं ठीक है थीके? हाँ ये समझ लीजिए देखो आप लोग कभी जब गांव गए हो ठीक है जब गांव जाते हो तो वहाँ पे वहाँ वहाँ पे कौआ वो उड़ाने के लिए एक तो रहता है ना ऐसे हाँ क्या कहते हैं उसे नहीं नहीं उसे कुछ और कहते हड़वा उसको नहीं उसको हड़वा कहते हैं आइए तो अब ये देखिए ये जो व्यक्ति है सुनिए ध्यान से बेटा इस व्यक्ति की ये देखो ये मम्मी है ठीक है ये मम्मी भी हैं और ये बच्चा भी है ठीक है ये मम्मी है और ये क्या है सन है ठीक है इमेजिन कर लो सब लोग अपने आप को तो ठीक है देखो मम्मी को मैंने थोड़ा सजा दिया तो, मम्मी ने कहा बच्चे से मम्मी ने बच्चे से कहा कि बेटवा जाओ जरा सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आओ ठीक है जाओ जरा सब्जी मंडी से क्या ले आओ सब्जी ले आओ मम्मी ने इस बच्चे को सौ रुपया दे दिया ठीक है बच्चा भी खुश हो गया मम्मी ने बच्चे ने पूछा मम्मी क्या क्या लाना है कुछ नहीं आलू ले आओ जाके तो आलू और मटर घुगरी बनेगी आज ठीक है बच्चा भी खुश हो गया अब यहाँ पर उसकी जो मार्केट थी सब्जी मंडी जो थी बेटा वो पाँच किलोमीटर दूर थी ठीक है बंदे ने क्या किया कि जैसे ही घर से निकला उसने एक छोटा सा ऑटो रिक्शा किया और ऑटो रिक्शा में दस रुपये का पेमेंट करके कितने रुपये का पेमेंट करके दस रुपये का पेमेंट करके वो कहाँ कहाँ पहुँच गया सब्जी मंडी पहुँच गया ठीक है अब उसकी जेब में कितना रुपया बचा नब्बे बचा ठीक है उसने क्या किया कि पचास रुपये का आलू खरीदा और बीस रुपये का मटर खरीद लिया ठीक है ठीक है मान लो बीस रुपये का मटर खरीदा ठीक है बेटा तो अब उसकी जेब में कितने रुपये बचे अब उसकी जेब में कितने रुपये बचे देखो उसकी जेब में कितने रुपए बचे अभी बीस बचे ठीक है कितने बचे बीस बचे अब दस रुपए रिक्शा पकड़ के वापस भी आना है अब देखो अब जैसे ही वो रिक्शा पकड़ रहा था उसको दिखा एक बढ़िया मोमोज का ठेला ठीक है तो उसने कहा अरे यार चलो ठीक है बीस रुपये बीस रुपये बचाए दस रुपये का मोमोज खा लेंगे बाकी चल देंगे फिर उसके बाद ये दस रुपए का इसने मोमोज भी खा लिया देखो पचास का इसने क्या ले लिया आलू बीस का इसने क्या ले लिया मटर दस रुपए का क्या ले लिया इसने मोमोस और फिर दस रुपए का इसने क्या ले लिया ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा को प्लस मैं दो कर दे रहा हूँ प्लस कितना कर दे रहा हूँ दो क्योंकि दो बार आना जाना हुआ ना तो टोटल कितने रुपए हो गए सौ रुपए खर्च हो गए अब ये जब घर पे पहुँचा मम्मी के पास तो मम्मी ने पूछा कहो कितने का तो ये कितना बताएगा सौ रुपया बताएगा या सत्तर रुपया बताएगा ईमानदारी से बताओ लोग कि लो, कितने लोग कहते हैं कि सर हम सौ बताएंगे कितने लोग कितने लोग कहते हैं कि सर आई एम फ्रॉम हरिश्चंद्र फैमिली बैकग्राउंड मैं सत्तर बताऊंगी ठीक है चलिए चलिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए अब सपोज करिए कि अब इसी आलू और मटर को आपको कंजम्पशन नहीं करना है बल्कि इसी को आपको फिर से सोल्ड करना है फिर से आपको इसको बेचना है ठीक है किसको किसको बेचना है उसी आलू और मटर को फिर से आपको बेचना है तो कितने में बेचोगे सौ से ज्यादा में बेचोगे या सत्तर से ज़्यादा में बेचोगे आप बताओ सौ से ज़्यादा में या सत्तर से ज़्यादा में देखो अगर आप सत्तर से ज्यादा में बेच रहे हो तब तो आपको लॉस हो रहा है हंड्रेड परसेंट लॉस हो रहा है आप सत्तर सौ से ज्यादा में बेचोगे तब आपको प्रॉफिट होगा बिल्कुल सही जवाब है कि सर आने जाने का खर्चा भी तो देखा जाएगा बस यही चीज आपका कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं जो भी उसकी कॉस्ट है जो भी आप उसकी कॉस्ट मतलब जो भी आप सामान खरीद रहे हैं जो आपकी परचेजिंग कॉस्ट है प्लस उसको लाने की जो कॉस्ट है लाने की कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं कैरेज भाड़ा जो भी उसको लगाने की जो कॉस्ट है लगाने की कॉस्ट यानी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ठीक है और अगर कोई और खर्चा हो रहा है अदर कॉस्ट कोई और खर्चा हो रहा है सर भैया तो आने जाने में मान लीजिए आपने कुछ खाना पीना का खर्च कर दिया कुछ टोल टैक्स दे दिया कोई ड्यूटी व्यूटी पे कर दी तो कोई भी अन्य खर्चा अगर आप दे रहे हैं तो उन सब खर्चों को आप क्या करेंगे जोड़ेंगे मतलब आप एक लाइन में ये भी कह सकते हो कि जब तक आपकी वो एसिड्स या जब तक आपका वो ट्रांजेक्शन रेडी फॉर यूज ना हो जाए क्या ना हो जाए बेटा रेडी फॉर यूज ना हो जाए तब तक उसमें लगने वाले हर खर्चे को हम उसका पार्ट ऑफ कॉस्ट मानेंगे हम उसका क्या मानेंगे पार्ट ऑफ कॉस्ट मानेंगे क्लियर हो गया भाई जैसे आप लोग क्या करते हो कि मान लीजिए आपने कोई कपड़ा खरीदा रेडीमेड कपड़ा खरीदा तो रेडीमेड कपड़े का तो कॉस्ट आपको पता है लेकिन मान लीजिए आप कपड़ा बनवाने जा रहे हो तो पहले क्या करोगे उस कपड़े की कीमत फिर उस दर्जी की कीमत प्लस उसके लगा आने जाने की कीमत उन सबको आप जोड़ोगे ना जाके आपका काम बनेगा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं आपका क्या कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया किसी को कोई समस्या तो नहीं आइए पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि मैंने जो आपको बताया क्या वही सब है कि कुछ अलग कहानी है आइए देखते हैं बेटा देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग <coughs>

कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी उसके प्राप्त करने की लागत एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट द एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन देयर मार्केट प्राइस हमें मार्केट प्राइस से नहीं मतलब है हमको वो कितने का पड़ा हमको वो कितना लगाना भाई जो हमने लगाया है जैसे मार्केट में एक हज़ार का मिल रहा है लेकिन हमारे रेडी टू यूज होते होते वो एक हज़ार से बारह सौ रुपये में हो गया तो हमको वो कितने का पड़ा हमको तो बारह सौ का पड़ा ना आप ये देखो जब आप सब्जी मंडी से सामान खरीदते हो जैसे मान लीजिए आप मोहल्ले की दुकान से सब्जी खरीदते हो एक मिनट के लिए मान लीजिए तो वहाँ पे उसका दाम ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे आपको उसका दाम क्या मिलता है ज़्यादा मिलता है सही तो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ एज अ कम्पेयर टू द बड़ी मंडी में आप चले जाओ तो वहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा क्योंकि जो जो मोहल्ले में बच्चे घूम जो मोहल्ले में वो व्यक्ति घूम रहे हैं उनको लाने ले जाने की लागत क्या हो रही है ज़्यादा पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है और आपको भी पता है कि कोई व्यक्ति अपनी कॉस्ट को सरवाइव नहीं करता अपनी कॉस्ट के साथ समझौता नहीं करता क्लियर हो गया बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब देखिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है कहता एक है एक मशीन आपने ख़रीदा है बाई द ए लिमिटेड कितने रुपए का खरीदा दस लाख का मैन्युफैक्चरिंग द बोल्ट द अमाउंट ऑफ टू थाउजेंड वॉज अ स्पेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन एक दस लाख का आपने मशीन खरीदा दो हज़ार रुपये का आपने ट्रांसपोर्टेशन दिया और फिर कहता है क्या कि साइट तक पहुँचते पहुँचते दो हज़ार रुपए आपने एडिशनल क्या दिया इंस्टॉलेशन का कॉस्ट दिया तो अब आप बताइए उस मशीन की टोटल लागत कितनी हुई एक लाख या एक लाख चार हज़ार एक लाख चार हज़ार समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया कि नहीं आ गया और इसी कॉन्सेप्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल द रिलेटेड कॉस्ट ऑफ अ मशीन एक लाइन यहाँ पे भी लिख लीजिएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है ऑल कॉस्ट कंसीडर कंसीडर रिलेटेड टू मशीनरी या मशीनरी की जगह आप सब यहाँ पे एसिड्स लिखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा रिलेटेड टू एसड्स रिलेटेड टू एसेट्स हाँ बस बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई समझ ठीक है बेटा हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया चले आगे हम चलो आओ अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बेटा डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या जिसे हम डुअल एस्पेक्ट भी कहते हैं ठीक है भैया समझ में आ रहा है आइए फिर आगे बढ़ते हैं अब देखिए डुअल एस्पेक्ट को समझने के लिए हम फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं फिर ये डुअल एस्पेक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है देखो बेटा ध्यान देंगे बाबू देखो जरा जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इसकी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की देखो ये जो छोटे छोटे डायग्राम या छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ इन सब को आप अपनी कॉपी में रफ़ कॉपी में बना लीजिए कारण क्या होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको इन्हीं डायग्राम से इन्हीं डायग्राम से बहुत मदद मिलेगी आपको रटना नहीं पड़ेगा और ये डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल काम करेंगे जैसे समझ लीजिए विटामिन का काम करेंगे ये ठीक है चलो आप हाँ देखो देखो बेटा मेरी बात सुनो समझो ध्यान से और कल मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ी है मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो आपकी मेहनत होती है वो आपके सौभाग्य की जननी होती है देने के लिए दान लेने के लिए ज्ञान और छोड़ने के लिए अभिमान इन तीनों को अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपकी जिंदगी में हंड्रेड परसेंट परिवर्तन आएगा ये आप जानिए चलिए आगे देखेंगे देखो आपसे दुनिया में सब कुछ छीना जा सकता है सब कुछ घर द्वार मकान बीबी बच्चा सब छीना जा सकता है लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकती वो है आपका नॉलेज जान लीजिए नहीं इज्जत इज्जत भी बेटा इज्जत दो मिनट में छीनी जा सकती है ठीक है अभी आपने देखा होगा एक दो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा ये आप जानिए बहुत बड़े मोटिवेटर हैं आप ये जानिए कि हर दूसरा नहीं हर पछवा व्यक्ति तो उनको जानता ही होगा इन दोनों में से किसी ना किसी एक का नाम तो जानता ही होगा लेकिन आज ये स्थिति है कि विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के दोनों के बीच में बहुत तगड़ा कोलैप्स हुआ पड़ा है ये आप जानिए लीगल नोटिस का बहुत तगड़ा दौर चला है ठीक है खैर इस पर हम एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो बनाएंगे एक दो दिन में तो आप उसे देखिएगा कि एक्चुअल में ये लफड़ा हुआ क्या है कहाँ से हुआ है और क्या हो सकता है ठीक है चलिए <laughs> आगे देखेंगे देखो जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो लल्ला तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैंने बताया है कि दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आता है एक आता है आपका प्रॉफिट मोटिव और एक होता है आपका नॉन प्रॉफिट मोटिव ठीक है या आप ये भी कह सकते हो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ध्यान से सुनो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा वो तीन तरीके से होता है एक जिसे हम कहते हैं क्या सोल प्रोपराइटर जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप ठीक है और फिर जिसे हम क्या कहते हैं आपका कंपनी लेकिन इन दोनों इन तीनों को अगर आप मिला दो इन तीनों को अगर आप क्या करो एक में मिला दो तो या तो ये तीनों बिजनेस करेंगे या तो ये तीनों क्या करेंगे बिजनेस करेंगे या फिर इनमें से क्या किया जाएगा प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिए जब आप किसी भी पर्सन की बात करते हो तो एक जो पर्सन होता है बेटा वो अपने अपने पैसे को कमाने के लिए जानते हो दो चीज में से एक चीज जरूर करता है तो, तीन चीज में से एक चीज करता है दो चीज मैंने बोल दिया तीन चीज में से एक चीज़ वो जरूर करता है देखिए या तो वो किसी के यहाँ जॉब करेगा या तो वो खुद का बिजनेस करेगा या तो वो कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जैसे मान लीजिए डॉक्टर बन गया इंजीनियर बन गया या मेरे जैसा टीचर बन गया लॉयर बन गया तो ये क्या है प्रोफेशनल सर्विसेज ही तो हैं भाई अपने जीवन को जल, जीना तो है ये पैसा तो कमाना ही है तो आप ये देखो सवाल अब ये उठता है कि ये जितने भी लोग हैं चाहे बिजनेस वाले हों चाहे प्रोफेशन वाले हों चाहे जॉब वाले हों इन सब को रिकॉर्डिंग तो करनी ही करनी है इन सब को रिकॉर्डिंग करनी है क्यों क्योंकि इनको भी तो पता होना चाहिए कि महीने के आखिरी में या साल के आखिरी में इन्होंने कुछ बचाया कि नहीं बचाया भी तो आप देखो भाई इनको जानने का हक है कि नहीं है हंड्रेड परसेंट हक है अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो जॉब वाले होते हैं बेटा ये रिकॉर्डिंग नहीं करते ये रिकॉर्डिंग नहीं करते इनको अकाउंट से कोई मतलब नहीं है इनको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है बुक कीपिंग से मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है बुक कीपिंग से जैसे आपके घर को कौन चलाता है मम्मी चलाती है पापा चलाते हैं बताइए कितने लोग कहते हैं सर पापा चलाते हैं हाथ उठाइए देखो घर को चलाती हैं मम्मी क्या मम्मी ने क्या मम्मी ने आपके कहनाई से आपका ग्रेजुएशन का कोर्स किया है क्या बी कॉम का नहीं ना अरे किसी की किसी की मम्मी ने किया होगा ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा किसी ने किया ही होगा ठीक है लेकिन क्या वो प्रॉपर लेजर बनाती हैं प्रॉपर जर्नल इंट्री करती हैं प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनाती हैं नहीं उनको सिर्फ इतना पता है हाँ दूध का कितना देना ये लिखा है इनको इनको ये तो पता होगा कि दूध दो दिन नहीं आया है इसका पैसा काटना है पेपर चार दिन नहीं आया है इसका पैसा काटना है सब्जी वाले को इतना पैसा देना इसको पैसा काटना है तो कहने का सीधा सीधा मतलब वो बुक कीपिंग ज्यादा प्रेफर करती है जो प्रोफेशनली लोग होते हैं ध्यान से सुनिएगा अब मेरी बात सुनिए ध्यान से जो प्रोफेशनली लोग होते हैं अब प्रोफेशन में फिर से वही तीन चीजें या तो सोल प्रोपराइटर या तो पार्टनरशिप या तो कंपनी तो सवाल ये उठता है कि अब ये किसको फॉलो करें तो बेटा अगर आप छोटे स्तर पे हैं छोटा स्तर मतलब ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है आपके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है महीने में या दिन भर में दो चार दस ट्रांजेक्शन है तो आपको भी मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी लास्ट चैप्टर में एक बात बताई थी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बताया था याद है किसी को सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है कैश सिस्टम और एक होता है सिस्टम या डबल इंट्री सिस्टम सही है कि नहीं है तो जो छोटे व्यवसायी लोग होते हैं वो कैश सिस्टम को ज्यादा फॉलो करते हैं हाँ जैसे सब्जी वाले जैसे पनवाड़ी वाले या किसी डॉक्टर के पास चले जाओ जो भी प्रोफेशनल है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ भैया जुकाम है हमको अच्छा ठीक है लो दवाई लाओ दो सौ रुपया डॉक्टर साहब कल ले लेना वो कहेगा दवाई रख दो तो। <laughs> कहेगा दवाई कल रख लेना कल ले लेना ले ले मेडिकल स्टोर वाला है ना भैया दवाई दे दो भैया दवाई पैसा चार दिन बाद अच्छा पैसों दवाइयों चार दिन बाद तो आप ये भी देखो तो जो छोटे व्यापारी होते हैं जो क्या होते हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा रहता है वो कैश सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं डूअल को फॉलो करते हैं यानी कैश प्लस क्रेडिट दोनों को फॉलो करते हैं क्लियर हो गया और इसका एक कॉन्सेप्ट यह भी है कि वो दोनों पार्टी को रिकॉर्ड करते हैं इसको रिकॉर्ड करते हैं बेटा दोनों पार्टी को देखो डबल का मतलब क्या है मैं अपने आप को भी रिकॉर्ड करूंगा और मैं आपको भी रिकॉर्ड करूंगा सर फायदा क्या है इससे फायदा क्या है सर फायदा यह है कि मान लीजिए मेरा बनाया डाटा खो गया मान लीजिए मगर मैं सिंगल को फॉलो कर रहा हूं और अगर गलती से डाटा खो गया तो मैं क्या मेरा दिमाग इतना जीबी का है कि मैं सारा डाटा स्टोर करके रखूँगा क्या मैं तीन सौ पैंसठ जी बी या पाँच सौ जी बी या एक टेराबाइट या दस टेरा बाइट का दिमाग लेकर बैठा हूँ क्या अरे बहुत लेकर बैठा हूँ लेकिन ये नहीं याद हो जाएगा सब कुछ मुझे कुछ याद नहीं हो पाता भाई पैसा एक ऐसी चीज़ है हमको हम देना भूलते हैं लेना नहीं भूलते ह्यूमन नेचर क्या करता है देना भूलता है लेना नहीं भूलता वो भाई कब देवे करा हो बुलाई गया है <laughs> सही है ना तो इसी वजह से डबल इंट्री सिस्टम को क्या किया जाता है फॉलो किया जाता है और डबल एंट्री सिस्टम में आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं मतलब क्या है ध्यान से सुनो सोल प्रोपराइटर किसी को भी फॉलो करा सकता है कैश को भी फॉलो कर सकता है या डबल को भी फॉलो कर सकता है पार्टनरशिप भी किसी को भी कर सकता है मतलब अब आप यह समझो कि जैसा बिजनेस है वैसा आपका सिस्टम होना चाहिए जैसा बिजनेस है वैसा क्या होना चाहिए सिस्टम होना चाहिए अब यहां पर एक चीज और आप समझो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि आप जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे आप जो ट्रांजेक्शन क्या करोगे रिकॉर्ड करोगे वो दो साइड में रिकॉर्ड करोगे ठीक है वो कितने साइड में रिकॉर्ड करोगे बेटा दो साइड में रिकॉर्ड करोगे एक साइड है आपका डेबिट और एक साइड है आपका क्या क्रेडिट अब सवाल ये उठता है कि सर ये डेबिट और ये शब्द क्रेडिट आया कहाँ से है ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये डेबिट और ये क्रेडिट शब्द आया कहाँ से है ऐसा तो नहीं कि कोई आया आ, संता संता करके कल था ना संता वाला दिन अच्छा सेंटा है संता है कि सेंटा है भाई हम ठहरे यूपी बोर्ड वाले तो हम साइंटा को संता कहते हैं और हमारी भाषा है अवधि आओ देखो संता लाया क्या लाया संता क्या लाया अच्छा नहीं लाया आओ देखो देखो जो डेबिट शब्द आया है वो आया है इनको जानते हो राहुल गांधी को राहुल गांधी को जानते हो नहीं जानते हो तो राहुल गांधी के मामा के घर से आया है ये डेबिट और क्रेडिट आप कहोगे सर ऐसा मजाक ना करो कसम से किसकी कसम खाएं कसम से आप ये देखो जो आपके लूकस पैसोलिक थे जिन्हें आप फादर ऑफ अकाउंट कहते हैं एक लाइन लिख लीजिएगा इसको लूकस पैसोलिक जिन्हें आप जिन्हें आप पापा ऑफ अकाउंट कहते हैं क्या कहते हैं बेटा पापा ऑफ अकाउंट कहते हैं सर्च ऑन गूगल ठीक है तो अब आप देखो अब आप देखो तो लूकस पैसोलिक थे कहां के लूकस पैसोलिक थे बेटा इटली के वेनिस शहर के और इटली की कौन है राहुल की मम्मी राहुल, तो राहुल का ननियाल हुआ कि नहीं हुआ समझ में आया तो अब ये जो डेबिट आया है बेटा वो आया है डेबिटम से आया है कहां से आया है बेटा डेबिटम से आया है और क्रेडिट आया है आपके किससे क्रेडिटम से आया है डेबिट आया है डेबिटम से क्रेडिट आया है कहां से क्रेडिटम से क्लियर हो गया और जब हमारे भारत में ये आया ध्यान से ध्यान से से सुनिए। सुनिए। जब हमारे भारत में ये आया तो हमने इसको शॉर्ट करके क्या बना दिया डेबिट बना दिया और फिर हमने इसको शॉर्ट करके क्या बना दिया क्रेडिट बना दिया क्लियर हो गया बेटा तो लूकस पैसोलिक ने डेबिटम और क्रेडिटम को क्या किया था इन्वेंट किया था ठीक है तो जो आपका क्या बन गया डेबिट बन गया और क्या बन गया आपका क्रेडिट बन गया।, गया क्लियर हो गया चलो आगे देखेंगे तो अब आ जाते हैं हम अपने उसी कॉन्सेप्ट जो हम जहां से हमने क्या किया था स्टार्ट किया था तो किसी ने अगर पूछा कि डेबिट कहाँ से आया तो आंसर मिलेगा बेटा सबको कि नहीं मिलेगा नहीं नहीं मामा मत लिख देना डेबिटम लिख देना ठीक है <laughs> क्या लिख देना डेबिटम लिख देना और क्रेडिट कहाँ से आया है क्रेडिटम से आया है क्लियर हो गया बेटा चलो बहुत सुंदर हाँ नहीं तो मामा वामा लिख दो तुम लोग <laughs> पता चला कि गड़बड़वा दीजिए तुम लोग देखो क्या लिखा है इसमें कहता है डबल एस्पेक्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग इट प्रोवाइड द बेस ऑफ रिकॉर्डिंग the business tr transaction in the books of the account this concept assumed that every transaction recorded in the books of the accountant on the base of the double concept this implied that the transaction is recorded affect the kya likha pe? affect the two account on their respective opposite side यानी यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगी वो दो अकाउंट की होगी और दोनों क्या होंगे अपोजिट साइड के होंगे लेन लेन वाला और देन वाला यानी डेबिट वाला और कौन सा वाला क्रेडिट वाला भाई डेबिट यानी देखा जाए एक तरीके से डेटर और क्रेडिट यानी देखा जाए एक तरीके से क्या क्रेडिटर एक मिनट के लिए ठीक है तो आप लेनदार को भी लिख रहे हो और आप किसको लिख रहे हो देनदार को भी तो लिख रहे हो लेनदार मतलब कौन जिस व्यक्ति से लेना है और देनदार कौन जिस व्यक्ति को हमें क्या करना है देना है क्लियर हो रहा है बेटा फिर आगे देखेंगे द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द डबल प्लेस इट इंप्लाइड बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट अब एग्जाम्पल के लिए लिखा है फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज इन द एक्सचेंज ऑफ द कैश टू एस्पेक्ट देखिए यहाँ पे शब्द देखिए क्या लिखा है जैसे आप समझो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं ये हो गया आपका सेलर और ये हो गया आपका क्या परचेजर तो सेलर ने क्या किया कि सामान को बेचा देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो तो इनके बीच जो रिलेशन बना उस रिलेशन को हमने क्या नाम दिया ट्रांजेक्शन इनके बीच में जो रिलेशन बना उसमें क्या मिला ट्रांजेक्शन अब देखिए सेलर ने क्या किया कि दस हजार रुपए का सामान बेचा कैश में दस हजार रुपए का सामान क्या बेचा कैश में ठीक है और परचेजर ने क्या किया कि दस हजार का सामान खरीदा किस में कैश में तो इनके लिए लेन और देन क्या होगा डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या लेन और देन ना तो बेटा सेलर के लिए लेन क्या होगा जरा बताओ सेलर क्या लेगा अब आप कहोगे सर सेलर दस हजार रुपया कैश लेगा और देगा क्या देगा क्या सर दस हजार रुपये का सामान यानी गुड्स परचेजर के लिए लेन देन क्या होगा परचेजर के लिए लेन क्या होगा बेटा सर दस हजार रुपये का क्या गुड्स और देन क्या होगा सर दस हज़ार रुपए। बताओ तो तो बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो ये लेन देन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया चले आगे बेटा चलिए बहुत सुंदर और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपका देखो ये जो आपका फंडामेंटल इक्वेशन है ये आपका डबल एस्पेक्ट पे भी काम करता है यानी एसिड्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और हमेशा एक बात याद रखना एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है डेबिट होता है एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या हो रहा है डेबिट और कैपिटल और लाइबिलिटी इनका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट यानी डेबिट बराबर हमेशा क्या होगा क्रेडिट और क्रेडिट बराबर हमेशा क्या होगा अभी आपका बैलेंस क्या होगा बराबर होगा क्लियर हो गया बेटा चलो आगे चलें अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका गोइंग कॉन्प्ट लेकिन आज इसको नहीं पढ़ेंगे इसको कल की क्लास में करेंगे ठीक है बेटा इसको कल की क्लास में करेंगे ठीक है तो आज के लिए फिलहाल इतना ही कैसा लगा आज का लेक्चर इसके बारे में आप कमेंट कर करके ठीक है इसके लिए आप लोग कमेंट कर करके कमेंट बॉक्स भर दीजिए तब मज़ा आएगा ठीक है चलो तो बाकी आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए किसी भी समस्या के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं बाकी आप हमारी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पर आप हमें संपर्क करें बाकी ख्याल रखिए जय हिंद जय भोलेनाथ